है, देख लो मेरी बाइक तो वहाँ पर खड़ी है। फिर फाइनली बाइकिंग का जो है पंचर भैया लगा रहे हैं, ठीक है, बाइक तो खड़ी है। सारे लोग देख रहे हैं आपको इस टाइम, बस ये समझ लो आप। मैंने अभी देखा कि आप दोनों अपनी बाइक ठीक करा रहे हो। हाँ, अच्छा। और ये बाइक काफी कॉस्टली बाइक लगी। चलो कैसे हैं आप सभी, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आप सभी लोग दोस्त यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे गाइज और मजे करेंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का एक ही वर्ल्ड की हमारी फ्रेश और नई वीडियो में गाइज। और आज जो मैं यहाँ पर हूँ फिलहाल, ये जो है भेट रोड है जो कि हमारे घर की तरफ से जाता है, और जो स्वेले भाई हैं वो हमारे साथ हैं आज फिर से। आज भाई उस दिन तो आपने देख लिया था कि हाँ भैया बंदा नॉर्मल कपड़ों में आया ये वो, पर मैं आपको बताना भूल गया था कि भैया एक प्रोफेशनल राइडर भी हैं। जी हाँ, एक प्रोफेशनल राइडर। आप सभी लोग, मैं आज आपको पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक राइडर से जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप हमारी आवाम को, हमारी जनता को क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड आफ्टरनून। या अभी 12 बज रहे हैं। तो हेलो गाइज, कैसे हैं यार आप? आई होप मुझे जानते ही होंगे, इससे पहले वीडियो में भैया के साथ आपने मुझे जरूर देखा ही होगा। आरिश के साथ भैया भैया ने मुझे भैया बना दिया, मैं भैया बोलता हूँ ना बहुत है, इतना ठीक है। तो आरिश के साथ तुमने मेरे को यार देखा ही होगा सबने। तो यार मैं आज प्रॉपर अपने राइडिंग गियर्स में आया हूँ यहाँ पे, और भैया के साथ हम राइड कर रहे हैं। हम के साथ आरिश के साथ यार हम राइड कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं आरिश के साथ हम राइड कर रहे हैं यार। और हम जा रहे हैं आज डार्क पत्थर, जो कि भैया एक्सप्लोर करेंगे फर्स्ट टाइम पे, और मैं यार काफी बार जा चुका हूँ। तो राइड तो गाइस ये वाला जो रास्ता राइड होने वाली है, ये शॉर्ट राइड ही होने वाली है। और इसमें जो बेस्ट चीज है वो ये रहेगी कि इसमें जो मतलब रोड जो है ना वो टॉप क्लास रहेगा। मतलब गाइस एकदम माउंटेन्स वगैरह आपको एकदम अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो इस रोड में बेसिकली गन्ने वगैरह के ये ट्रैक्टर वगैरह से ज्यादा जाते हैं, तो थोड़ा केयरफुली राइड करना चाहिए क्योंकि ये सिंगल लाइन रोड है, है ना। चले फिर अपनी राइड हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो एक बार मैं भैया के थोड़े गियर्स वगैरह आपको दिखाता हूँ, उन्होंने क्या क्या यहाँ पर पहन रखा। गाइज अभी जो है हम यहाँ पर ही रुके थे, एक पेट्रोल पंप है यहाँ पर रस्ते में। तो भैया से जो मैं है अपनी बाइक के अंदर जो है हवा वगैरह डलवा रहा, तो भैया पीछे वाले टायर में भी एक बार चेक कर लो। तो आगे वाले में कम थी जी? तो गाइज आगे वाले में कम थी हवा, और जो उस वाले भाई हैं वो वहाँ पर इस टाइम जो है वहाँ पर खड़े हैं, इस टाइम पेट्रोल वगैरह डलवा रहे हैं अपनी बाइक के अंदर। चलिए फिलहाल, सुबह मुझे ऐसा लग रहा था कि मौसम जो है काफ़ी धुंध वाला होने वाला है, बट कोई बात नहीं, अभी जो है बहुत धूप वगैरह निकल गई है, मेरे बाल भी थोड़े से बिगड़ रहे हैं। फिलहाल अभी हवा डलवाते हैं गाइज, और बाइक तो खैर मैंने तो वॉश तो की नहीं थी, पेट्रोल मैंने जो है सहारनपुर से डलवाया था। रास्ता कुछ ऐसा है, काफ़ी धूप है, काफ़ी सही है, ठीक है ना। और जो प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही थी उसके ऊपर एक डेडिकेटेड व्लॉग मैं लेकर आऊँगा। आई मीन जब से मैं फर्स्ट गियर कैफे किया था ना, तब से बाइक थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। इसमें कोई पंचर है? इसमें हवा नहीं है, हवा नहीं है, चेक करना एक बार। तो शायद मेरी बाइक के अंदर एक पंचर यहाँ पर भैया जो है बता रहे हैं, एक मिनट में ज़रा मैं चेक करवा लेता हूँ। आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों है, और मैंने जब से मैं वहाँ से आया ना मुझे ऐसा महसूस दे रहा है कि पीछे वाले टायर के अंदर ना बाइक के कुछ हो रहा है, बट वो तो अब देख कर ही पता चलेगा कि बाइक के अंदर कितना बड़ा वाला पंचर है। बस पानी लेने गए, एक बार वो पानी लेकर आ जाएं तो फिर देख लेते हैं कि फिर आगे का क्या सीन वगैरह होने वाला है। वो तो अच्छा हुआ मैंने अभी स्टार्टिंग में ही। अभी हम कितने किलोमीटर आए होंगे तुम्हारे हिसाब से? आए होंगे अभी हम लगभग 20-25 नहीं 15-18 किलोमीटर ही चले हैं अभी घर से, तो एकदम इस चीज़ का पता चल गया। एक चीज़ हाँ, आपका भाई सनग्लासेस में कैसा लग रहा है यार? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार। लड़कियों के कमेंट आएंगे, लड़कियों के कमेंट आने वाले, लड़कियों के कमेंट आने वाले, लड़कियां कमेंट करने
वाली है ना वो जरूर बता देना यार। आपको भाई कैसा लग रहा है सनग्लासेस में? अभी अपने भाई, अभी आपके भाई ने ना बाल छोटे करा रखे हैं, वैसे आपका भाई भी ऐसा ही कुछ लुकिंग आ जाता है। किसने बाल ठीक है तो गाइस भाई लगा रहे हैं पेंचर, वो तो अच्छा हुआ मुझे पहले ही पता चल गया। जब भी मैं बाइक को रेव कर रहा था, बाइक जो है 100+ जा ही नहीं रही थी, तो मैंने कहा यार ऐसा क्या हो गया, 100+ तो जानी चाहिए, मतलब ऐसी तो कोई प्रॉब्लम आनी भी नहीं चाहिए ना ऐसी चीज़ों के अंदर। तो फिर देखा क्या, हाँ बाइक के पिछले टायर में हवा कम है, तो वो तो अच्छा हुआ जो मैंने चेक करा लिया, क्योंकि आगे पहाड़ों का रास्ता है और अगर फिर कुछ भी दिक्कत हो जाती तो भाई ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है, समझ गया। तो चलो चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार इस वाले ब्लॉग का। जो देखो मेरी बात सुनो, ये जो ट्रिप है ना यार, जो क्लिप्स आपने मेरे चैनल पे देख ली वो देख ली, जो थोड़ी अलग देखना चाहते हो कि आरिश भाई रोड पे बाइक कैसे चला रहे थे, वो आपको द एस ब्लॉग्स में मिलेंगे। अच्छा एक चीज और, अभी हम एक अंकल से भी आपको मिलाते हैं गाइस, और ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे थे हमारे अंदर, तो अंकल से मिलाते हैं। जी अंकल बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप हमको? तो अंकल आप हमारी आवाम को क्या कहना चाहेंगे आप ये बताएं? बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको इस टाइम पर, ये समझ लो आप। मैंने अभी देखा कि आप दोनों अपनी बाइक ठीक करा रहे हो, और ये बाइक काफी कॉस्टली बाइक लगी, मुझे लगा कि आप चंडीगढ़ से आ रहे हो, लेकिन आप तो सहारनपुर के लोकल जी, लोकल हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपका जो शौक है मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के, ऐसे भी शौक है कि आप ट्रैवलिंग करते हैं, या मतलब ट्रैवलिंग करते हैं तो लोगों को भी दिखाते हैं। हां लोगों को दिखाते हैं, वो बड़ी बात है, वो बड़ी बात है। हम आपको सेफ खिलाते हैं, लाओ सेफ देना जरा, सेफ सेफ दो जरा, पार्टी दे रहे हैं यहां पे। जी अभी जो हमें मिले थे वो थे नोएडा के विधायक जी, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर कश्मीर के एप्पल्स दिए हैं हमें खाने के लिए, तो आगे जा रहे थे कहीं पे, ठीक है, तो उन्हें हमारा ये YouTube वगैरह के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट आया कि बाइक बहुत ज़्यादा कॉस्टली वगैरह हैं, और जो हम ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं उनको ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। यार वैसे जब लोग ऐसा करते हैं ना तो भाई दिल से खुशी मिलती है, क्यों आप बताओ यार? मिलता ही तो है यार, देखो ये चीज़ बिल्कुल स्ट्रेंज टाइप की है, मतलब बाइक चलाना हमारे कम्युनिटी में यार ये है कि यार बाइक चलाना सब लोग कहते हैं यार बाइक नॉर्मल है, बाइक ही तो चला रहे हैं। हाँ बाइक चलाना, व्लॉग्स बनाना, मतलब जो हम जी रहे हैं ना, हम जो अभी हम जो कर रहे हैं वो आप सभी लोगों के साथ भी शेयर करना, दिस इज अनदर थिंग। और गाइस एक चीज और यार, जैसे हम राइड्स वगैरह करते हैं यार, यू विल फील फ्री, मतलब हमें बहुत, मुझे तो देखो यार बहुत सुकून मिलता है। एंड गाइस जो मेन बात है यार, सबसे पहले तो देखो यार गाइस आपका सपोर्ट होना चाहिए, आप सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि इतनी दूर दूर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप सभी लोगों को दिखाने के लिए, आप सभी लोगों को एंटरटेन करने के लिए, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन जोर से दबाओ, ताकि आपको हमारे आने वाले व्लॉग्स या फिर वीडियो के नोटिफिकेशन गाइस सबसे पहले मिल सकें, दिस व्लॉग्स के भी। जी हाँ पेंचर के पैसे लगते हैं वो, जो कि मेरी बाइक के अंदर दो निकले थे, आई डोंट नो, ये मुझे ऐसा लगता है ना घर पे जो कील वगैरह थी ना वो जो पड़ी थी वहाँ पे, वही घुसी है इसके अंदर जब मैं निकाल रहा था बाइक को, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा कूड़ा वगैरह हो रखा था लकड़ी का, ठीक है। तो 60 रुपये लिया भाई, दो पेंचर के 40 रुपये मांग रहे थे, ठीक है 80, तो भाई थोड़ी सी बार्गेनिंग तो करनी पड़ती है, ठीक है तो ट्रक वगैरह है। तो चलिए गाइस आगे निकलते हैं, बस यहाँ से निकलने वाले हैं, ठीक है। तो भाई की बाइक की भी जो है हवा वगैरह चेक हो गई मेरी बाइक की भी, तो भैया आगे भी चेक कर ली थी ना, ठीक है। तो चलो गाइस निकलते हैं, फिर आगे दिखाते हैं आपको आगे भी क्या क्या है। यो गाइस तो फिलहाल अभी हम जो है, ये कौन सी लोकेशन है फिलहाल, हम कहाँ पे पहुँच गए हैं? हम जो है विकास नगर के स्टार्टिंग के पहाड़ों पर, विकास नगर के स्टार्टिंग के पहाड़ों में पहुँच गए। भैया ने मुझे जो है यहाँ पे डरा दिया है कि आगे जो है चेकिंग वगैरह हो सकती है, क्योंकि आपको पता होगा उस दिन जो मैंने एक दिन ब्लॉग डाला था, मुझे यहाँ पर जो है पकड़ लिया था, तो मेरी बाइक पे जो है चलान हो गया था, वो अभी तक गाइस मैंने भरा नहीं है, ठीक है, वो बहुत जल्दी भर दूंगा, बट अभी तक मैंने नहीं भरा है, ठीक है। और फिलहाल आप सभी लोग यहाँ का व्यू चेकआउट करो, एक नंबर व्यू आ रहा है यार, और बाइक मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, मतलब पहले तो ऐसा लग रहा था मुझे कि पता नहीं यार क्या हो गया, बाइक भाग ही नहीं रही, क्या हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप जगह देखो दोस्तों एक बार कैसी है, वहाँ पर काउस वगैरह खड़ी हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं, आप देखो सामने लोग रहते हैं, बट हाँ मेरे ख्याल से दोस्तों वहाँ पर लोग रहते हैं जो कि पहाड़ी लोग होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं, ठंड इतनी नहीं है सहारनपुर के अंदर, ठंड यहाँ पर लगती है। आप बताओ? हाँ ठंड तो खैर कम है यहाँ पर, है ना, ठंड काफ़ी कम है यहाँ पर, और आगे जाके शायद हो सकता है कि लगे ठंड, हाँ आगे जाके हो सकता है, पर मुझे तो ठंड लगती नहीं है, आप अपना देखना, ठीक है। मैं तो हाईनेक पहन के आवा हूँ गाइस, मुझे ठंड नहीं लगती है।
गाइस वी आर अराइव एट द लटकने वाला पुल, ठीक है। तो जो बाइक्स वगैरह है दोस्तों वो यहाँ पर लगा दी हैं, बाइक्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगी हुई हैं, ठीक है ना। इसको झूला पुल बोलते हैं, झूला पुल। वो देखो वहाँ पर भाई खड़े हैं झूले पुल के पास, झूला पुल बोलते हैं वो खड़े हैं वहाँ पर झूला पुल। उन्होंने कहा पहले लटकने वाला पुल है। तो गाइस यहाँ पर पहाड़ कुछ इस टाइप के हैं और लोकेशन भाई ये जो रोड है आगे जा रहा है, ठीक है ना। अभी वो देखो इतनी भयंकर लोकेशन है दोस्तों, देख रहे हो। अपनी बाइक्स वगैरह दोस्तों यहाँ पर खड़ी हैं जो कि एक नंबर लग रही हैं। खैर फिलहाल तो मज़ा आ रहा है, चलिए चलते हैं नीचे। लेट मी जस्ट अनइंस्टॉल या फिर उतार दूँ माय हेलमेट। खैर भाई मेरे बाल, गाइस भाई तुम्हारे भाई के बाल, बस क्या ही पूछो यार, बालों का तो बुरा हाल हो रखा है। खैर जब यार ऐसे राइड वाइड पे जाते हैं ना तो बालों को देखा नहीं करते भाई, ठीक है ना। बाल तो खैर हो जाते हैं। मैं आपको बता दूँ ये जो लोकेशन है डाक पत्थर से आगे की है, ठीक है ना। डाक पत्थर को जो हमने जो है गाइस पीछे छोड़ दिया है, ये लोकेशन उससे आगे की है। और चलिए चलते हैं नीचे, ठीक है। और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आते रहते हैं इस लोकेशन के ऊपर, ठीक है गाइस। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बाइक्स लेके जा सकते हो आप, या अगर बाइक्स लेके जाना चाहो वैसे चल जाओ, या फिर नहीं लेके जाना चाहो, ठीक है ना भाई। बाइक वगैरह निकल जाती है यहाँ से? बाइक नहीं निकलती है। अच्छा कौन सी जगह है ये? डाक पत्थर। अच्छा कहाँ से भाई? हम सहारनपुर से भाई। गाइस ये जो है मतलब डाक पत्थर के अंदर ही टच होता है, मतलब जो मेन सिटी है उसको जो हमने गाइस यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है, ठीक है ना। अब हम पुल के ऊपर जो चल रहे हैं, पुल काफ़ी अच्छा है। यहाँ का जो पानी है बेसिकली वो ग्रीन कलर का है, आई डोंट नो ऐसा क्यों है बट वो ग्रीन कलर का पानी है। लेट मी जस्ट शो यू द वाटर ऑफ ग्रीन कलर। ये जो कि यहाँ पर भाई स्टंट करके दिखा रहा है, तो लेट मी शो यू माउंटेन। चलो अरे ऊपर तक उठा यार। गाइस भाई यहाँ पर स्टंट करके दिखा रहे हैं, बहुत भयंकर वाला। बाइक को भी उठा देते हैं। तो ये जो लोकेशन है ये कौन सी लोकेशन है? डाक पत्थर। डाक पत्थर वाली लोकेशन है गाइस। भाई बहुत अच्छी बाइक उठा रहे हैं, ठीक है। और फिलहाल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जो एरिया वगैरह, यहाँ पर थोड़े लोग जो हैं हमारी बाइक्स के साथ जो है फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं। मैंने कहा चलो भैया कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस टाइम आके बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई, समझ रहे हो आप। इस टाइम आके बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। तो चलिए लोकेशन मैं आपको एक बार चेकआउट कराया। तो भाई भाई मान नहीं रहा भाई, अभी तक पूरे स्टंट चल रहे हैं भाई के, ठीक है ना। तो ट्रक वगैरह भी इस लोकेशन पे आते ही रहते हैं, पीछे से आ रहे हैं, ठीक है ना। लोकेशन एक बार चेकआउट मैं आपको दिखाता हूँ, बाइक्स वगैरह अपनी उधर खड़ी हैं। देन लेट मी शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ सारी की सारी लोकेशन एक बार अच्छे से करके। यहाँ पर बुगले वगैरह भी हैं भाई बहुत सारे, ठीक है। और ओ देखो सवाले भाई जो हमारे पीछे ही खड़े हैं उनके पास, आप सभी लोग देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो चलो बाइक्स वगैरह तो उधर खड़ी हैं, हेलमेट मैंने यहीं पर रख दिया यार, ठीक है। बाकी थोड़े से शॉट्स वगैरह मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर ड्रोन वगैरह चलाएं तो ड्रोन वगैरह के दिखा दूँगा, कैसे शॉट्स वगैरह रखें कैसे नहीं। फिर गाइस यही अपनी आज की फाइनल लोकेशन थी, ठीक है ना। तो एक ट्यूसडे राइड के हिसाब से यहाँ तक आना इज़ मोर देन इनफ, ठीक है ना। नेक्स्ट ट्यूसडे राइड कहाँ की होनी चाहिए, यहीं आसपास की एरिया की, ज़्यादा ज़्यादा 100 या 120 किलोमीटर तक जाऊँ तो ज़्यादा, पहले धीरे धीरे ना नॉर्मली चलूँगा, उसके बाद आगे तक जाने की जो है सोचेंगे, ठीक है ना। आप सभी लोग देख लो कैसा एरिया है, लेट मी जस्ट शो यू। ऑल राइट, तो गाइज आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं
कुछ इस टाइप की लोकेशन है गाइस। और भाई अपनी बाइक से गया तो देख लो भाई उधर खड़ी है, वहाँ पर एकदम भीड़ जमा हो गई है भाई एकदम। इसमें पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा डैम और सोलर पैनल के पैनल्स लगे हुए हैं वहाँ पर, वो पूरा का पूरा वहाँ पर बिजली का वगैरह काम होता है ठीक है ना। और ये देख लो भाई साहब आप सभी लोग देख रहे हैं ना, एकदम भयंकर लोकेशन हो रखी है देख रहे हो। काफ़ी अच्छा एवरेज दिया मैंने जो टैंक फुल करा लिया था, तो टैंक फुल कराने के बाद और काफ़ी फ़िलहाल तो ठीक ही दे रही है ठीक है। और ज़्यादा ना मुझे पहले लग रहा ना कि ओवर हीट हो रही है यार बाइक के अंदर ना, जब से मैं फर्स्ट गियर कैफे से आऊँ ना एक प्रॉब्लम आ रही है ठीक है ना, हीट तो बहुत ज़्यादा हो गई। और ना सर्विस तो खैर बाइक मांग ही रही है, वो तो देखो मुझे पता है ठीक है ना, वो मैं दिखा दूंगा। बेसिकली जहाँ भी मैं जाता हूँ ना अपनी बाइक को लेके भाई लोगों का रिएक्शन ऐसा पागल से हो जाता है देख के, एकदम फोटोज़ वगैरह खींचने लग जाते हैं तुम्हारे भाई की बाइक के साथ। तो भाई ये बात तो है ही ना यार, एकदम सबसे यूनिक लगती है तुम्हारे भाई की बाइक ठीक है ना। अब बहुत लोग बोल रहे थे कि आज भाई बेनेली लोगे तो अपनी आरसी मत बेचना। नहीं भाई मैं आरसी नहीं बेचने वाला, आरसी तो मेरा प्यार है वो कभी नहीं बिकेगी ठीक है ना। अभी तो अपनी जितनी भी राइड्स हैं यार अपनी आरसी के ऊपर ही होंगी, अभी कोई मैं बाइक वगैरह नहीं लेने वाला ठीक है। बाय द वे लोकेशन आप चेकआउट करो, एकदम एक नंबर मज़ा आ रहा है देख रहे हो। देखो वहाँ पर जो भाई वगैरह मिले थे उन्होंने काफ़ी अच्छे हमें स्टंट वगैरह भी करके दिखाए जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और लोकेशन तो बेसिकली काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है ठीक है ना, उधर पहाड़ वगैरह है, सोलर पैनल्स वगैरह लगे हुए हैं। अब सोलर पैनल्स वगैरह लगा रखे हैं तो यहाँ पर जो डैम है बेसिकली उसकी वजह से लगा रखे होंगे जो सोलर पैनल्स वगैरह लगा रखे हैं। वहाँ पीछे लगे हुए हैं कहीं पर, मैं उस तरफ भी गया था तो उस तरफ बहुत सारे सोलर पैनल्स वगैरह लगे हुए हैं ठीक है ना। और बेसिकली कहीं कहीं पर ऐसा हुआ था कि मेरे ब्लॉग की जो है क्वालिटी थोड़ी सी कम हुई थी, वरना तो भाई एक नंबर तुम्हारे भाई ने अपने ब्लॉग की जो है क्वालिटी वगैरह दोस्तों कर रखी है। और आई होप कि आपको हमारे ब्लॉग्स के अंदर मज़ा भी आ रहा होगा। तो यार देखो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर से दबाना ठीक है दोस्तों, ताकि आपको हमारे इसी तरीके के व्लॉग्स वगैरह डेली देखने के लिए मिल सकें। डेली डालूंगा यार मैं डेली के डेली ठीक है ना। और बहुत जल्दी मैं गोप्रो ले लूं तो उससे फिर आपको मेरे मोटो व्लॉगिंग की भी जो शॉर्ट्स क्लिप्स वगैरह होते हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। बाइक इतनी अच्छी लगती है ना भाई दूर से, क्या ही बताऊँ मैं, देख रहा हूँ इतनी अच्छी लगती है भाई अपनी बाइक दूर से, बस क्या ही बताऊँ यार गाइस मैं देख रहा हूँ। खैर बाल वाल थोड़े से ख़राब हो गए पर खैर कोई बात नहीं, इतना तो खैर गाइस चलता रहता है ठीक है ना। अभी ये लोकेशन देख ली, अब देखते हैं दोस्तों फिलहाल अभी जो टाइम हो रहा है, बेसिकली टाइम मैंने चेक तो किया नहीं, टाइम जो है 4:18 हो रहे हैं ठीक है, 4:18। फोकस करने में बहुत नखरे करता है एक तो है ठीक है ना। फिलहाल शॉर्ट्स लेते हुए तो चलिए देखते हैं अभी आगे किधर चलना है, फिर घर के लिए निकलते हैं, देखते हैं घर कितनी देर में पहुँचेंगे, क्या नहीं होता सीन वगैरह क्या है।
साइकिल चला रहे थे, हमारे दो सब्सक्राइबर हमें यहाँ पर मिले थे, तो ये देखते हैं जिमी की वीडियो, जो कि जिमी के बहुत बड़े फ़ैन है। क्यों भाई, जिमी के बहुत बड़े फ़ैन है? जिमी की सारी वीडियोस देखते हो, सारी की सारी? तो भाई की ये साइकिल है, तो कहाँ की साइकिल? ये खड़ी है भाई की साइकिल, जो कि फ्रेम में थोड़ी सी नहीं आ रही थी, तो भाई फ़ोटो लेना चाहते हैं मेरी बाइक के साथ, आ जाओ चलो फ़ोटो लेंगे तुम्हारा। काम हो चुकी है, ठीक है ना, आप चल रहे हैं। तो भाई जो है KTM चलाने वाले हैं, मैं बैनली चलाने वाला हूँ, ठीक है ना, और देखते हैं फिर अब कितने बजे तक हम जो है घर पहुँच पाते हैं। कहीं से सोच रहे हैं कि ड्रोन वगैरह शॉट्स लेने की, तो कहाँ से लेने की सोच रहे हो? ड्रोन के हम फुटेज, हमने एप्पल्स खाए नहीं बेसिकली अभी तक, कश्मीर के। क्या कह रहे थे? कश्मीर के। तो चलिए गाइस फिर निकलते हैं। यहाँ पर ड्रोन उड़ा रखा है फिलहाल, अभी आप सब लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है ना, और कुछ फुटेज वगैरह देख रहे हैं, जो कि अभी आपको देखिए गाइस, अगर आपको ड्रोन के शॉट्स देखने हैं ना, तो मतलब मेरी वीडियो में जाके चेकआउट करें भैया की, उस पर आपको ड्रोन के शॉट्स मिल जाएंगे। एकदम भयंकर सीन हो रखा है, और अभी मैंने ज़्यादा जलाइबी ने भी जो है 5:30 हो गए हैं बेसिकली, मेरे ख्याल से जो है 6 ही बजने वाले होंगे, तो ऑलमोस्ट मैं 7 बजे तक जो है घर पे पहुंच ही जाऊंगा, ठीक है ना। अभी ये बैनली खड़ी है, वो आरसी खड़ी है, ठीक है ना। चलिए तो फिर देखते हैं कब तक पहुँचते हैं घर पर, कब तक नहीं, फिलहाल तो अभी सीन यहाँ का है, ठीक है ना। तो आशा रखता हूँ कि ये ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा गाइज, आज की ये लोकेशन जहाँ पर हम घूमे आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ये वाली क्लिप है फ़ोन से, अभी कैमरा जो है बैग के अंदर है, फिलहाल निकालने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है ना। रोड ही काफ़ी सुनसान रहता है, मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा सुनसान है, बाइक्स वगैरह इधर लगी हुई है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे।